दोस्तों, जायफल का ये उपाय शुक्रवार के दिन यदि आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे होगी प्रसन्न और आप हो जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, जायफल का जो उपाय है वो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है और लेकिन हम अज्ञानी होने के कारण इस जायफल के उपाय को नहीं जान पाते, क्योंकि पौराणिक संस्कृति में जायफल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, इसलिए आज के वीडियो को बहुत अंत तक देखना तो आपके घर में लक्ष्मी के भंडार भर जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन पुराणों और शास्त्रों में यह वर्णित है कि जो जायफल होता है वो माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अर्थात जायफल के इन उपायों से हम अपने घर में जो आ रही दरिद्रता है, पैसा बार बार अपना रुक जाता है, पैसा टिकता नहीं, पैसा आता तो है लेकिन जाता नहीं, मतलब कि पैसा आ तो जाता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, तो इस तरह की कई सारी परेशानियां जो लक्ष्मी जी को लेकर के यानी पैसे को लेकर के आपके होती है, आप पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, पैसे की गरीबी यानी पैसे के कारण ही आपको गरीबी है, यानी कि आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा है, आप कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन आपके पास पैसा नहीं आता है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं का समाधान आज हम लेकर आए हैं जायफल से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जायफल आपका जायका भी बढ़ाता है, जायफल गर्म मसालों में बहुत ज़्यादा शुमार होता है। दोस्तों, जायफल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है वास्तु दोषों में और वास्तु ग्रहों में। यानी आपने यदि प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन किया या फिर प्राचीन ग्रंथों की हम माने तो जायफल का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था प्राचीन काल में औषधि के रूप में, और यानी आयुर्वेदिक के रूप में तो किया ही जाता था। तंत्र शास्त्रों में भी जायफल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। तो ये जो 5 रुपए का जायफल है ये आपको लाखों का फायदा कैसे दे सकता है, ये उपाय जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, यही उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वास्तु में प्राचीन समय में यानी वास्तु दोष यानी वास्तु शास्त्र में प्राचीन समय से जायफल बहुत ही उपयोग किया जाता था। अभी तो हम जायफल का प्रयोग गर्म मसालों में करते हैं, चाय में करते हैं, और गर्म मसालों में बहुत सारे जीरावन वगैरह ये बनाते हैं, बहुत सारे मसालों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वास्तु में प्राचीन समय में जायफल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था। कोई भी कार्य आप जैसे राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी मीटिंग में जाएं और उस मीटिंग में सभी आपकी तरफ बात माने, आपकी सहमति यानी आपकी बात माने और आपकी तरफ सहमति हो, यानी कि आप बहुत सारे लोगों में एक साथ जाते हैं और आपकी बात वो माने, यानी कि उन पर आप सम्मोहन क्रिया करना चाहते हैं, तो आप जायफल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उपाय बताने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तब भी आप वीडियो को तो लाइक कर ही दें, क्योंकि वीडियो लाइक करने से तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की वीडियो को आपने पसंद किया है। कमेंट बॉक्स जरूरी नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स भरें दोस्तों, लाइक से हमें भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा तो आप पर होती ही है। तो अब मैं उपाय की तरफ आता हूँ दोस्तों, उपाय बताने जा रहा हूँ। तो आप जैसे किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं या कोई एक मीटिंग करना चाहते हैं, आप कोई नेता हैं या फिर आप कोई लीडर हैं, या फिर आप कहीं 4 जनों में जाते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी ही बात सब माने, या फिर आप किसी बड़े इंसान के पास जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपकी ही बात माने, जैसे आपके ऑफिस का बॉस, तो ऑफिस का बॉस जो है वो आपकी ही बात माने, आप ये चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आपकी इच्छा यह है कि आपका जो बॉस है वो आपकी बात माने, आपकी जो सेक्रेटरी है वो बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि जो आपके ऊपर अफसर हैं वो भी आपकी बात माने, तो आपको ये वाला उपाय करना पड़ेगा। ये वाला उपाय में क्या होता है, आपको 3 जायफल लेने हैं और ये उपाय आपको संडे के दिन करना है यानी रविवार के दिन करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये 3 जायफल पूजा रखने के स्थान पर करने हैं, जहाँ पर आप पूजा रखते हैं, जहाँ पर आप पूजा करते हैं भगवान जी की, अपने पूजा घर जो होता है ना, पूजा का जो मंदिर होता है घर पर, वो आपको 3 जायफल वहाँ पर रख देने हैं, और फिर इसे अपने आपको अपने साथ आपको रखना है। जैसे कि आप 7 दिन तक आप इसको रखें है ना, 3 जायफल को संडे के दिन आपको रखें, तो संडे के दिन आप रखेंगे तो आपको संडे के दिन ये वापस उठा लेना है, या अगले रविवार को ये उठा लेना है और पूजा स्थल से उठा करके आप इसको अपने साथ रखें। ये जायफल जब सज जाएंगे पूजा घर में रखने के बाद, ये सज जाएंगे, सो सजने के बाद यदि आप अपने इनको अपने साथ अपनी जेब में रखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी बात को कोई भी नहीं डाल सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो, वो आपके सम्मोहन में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं और आपने ये 3 जायफल अपनी जेब में रख लिए सदैव, और वो जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आपने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो वो आपके प्यार के जाल में फंस जाएगी दोस्तों, वो आपके साथ ही चलने के लिए तैयार हो जाएगी, वो भी आपसे प्रेम करने लग जाएगी, और ये प्रेम जो होगा वो हमेशा के लिए रहेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा। तो दोस्तों, यदि हम जायफल के प्रयोग से किसी का घर जोड़ना चाहते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इसलिए ये वाले उपाय हमने आपको बता दिए। अब स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए भी जायफल बहुत ज़्यादा
यूजफुल होता है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप हमेशा, जैसे मान लीजिए कभी आप बार बार बीमार हो जाते हैं, आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई दवाई नहीं लगती है ना, एक दवा लगती है तो वापस दूसरी दवा नहीं लगती, दूसरी दवा ले लेते हैं तो फिर तीसरी दवा नहीं लगती, तो दोस्तों आप दिन प्रतिदिन परेशान ही रहते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप जो है एक जायफल का, आप जायफल को कूट पीस लीजिए और कूट पीस करके जायफल का जो है इसका पानी में डाल दीजिए, और पानी में डालने के बाद आप शुभ काम के लिए जो जा रहे हैं तो आप शुभ कार्य में जाकर के थोड़ा सा इस पानी को पी करके जाइए। जैसे कि आपने जायफल को पीस लिया, क्रश कर लिया, आप क्रश करने के बाद आपको एक चुटकी जायफल का जो पानी है, जायफल का जो जायफल जो होता है, एक चुटकी जो इसका पाउडर होता है वो पानी में डालें और पानी में डाल करके पी जाएं। जो भी शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो सारे शुभ कार्य आपके हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। ये उपाय किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कारगर उपाय रहने वाला है। उसके बाद आप एक जायफल रख करके भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो भी आप कहीं भी जाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए किसी मीटिंग में जाते हैं, या फिर आप किसी बड़ी मीटिंग में जाते हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आप नौकरी लेने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप सफल हो जाएंगे। लेकिन वो जायफल जो है वो जिस इंटरव्यूअर है उसके सामने आपको निकाल करके रख देना है। यदि उस इंटरव्यूअर की, यानी जो सामने नौकरी दे रहा है ना, उसकी निगाह उस जायफल पर पड़ेगी तो आपकी नौकरी 100% लग जाएगी, वो इतना सम्मोहित हो जाएगा। या फिर आप जायफल का टीका लगा कर भी जा सकते हैं, जैसे कि एक चुटकी जायफल ले लीजिए, उसको पानी में डालें, उसका टीका लगा कर, यदि आप माथे में टीका लगा करके जाएंगे तो भी आपका कार्य सारा हो जाएगा, क्योंकि जायफल की जो खुशबू होती है वो सम्मोहित करने वाली होती है। अब अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, यदि आप अपने जायफल के पाउडर को अपने जूतों में डाल करके जाएंगे, है ना, जैसे कि आपने जायफल का पाउडर लिया और एक चुटकी पाउडर आपने अपने जूतों में डाल लिया, और आपने दोनों जूतों में, और दोनों जूते पहन करके आप कहीं नौकरी के लिए गए, इंटरव्यू के लिए गए, तो आपका कार्य 100% हो जाएगा दोस्तों। आपके से वो जो सामने वाला है वो बिल्कुल सम्मोहित हो जाएगा। या फिर आप प्रेम प्रसंग में भी जा सकते हैं, आप किसी लड़की को प्रेम करते हैं और आप उससे प्रपोज करने जा रहे हैं, तो आप जूतों में जायफल का पाउडर डाल करके चले जाइए, आपका जो है वो 100% वो हाँ कर देगी, आपके प्रेम में वो पड़ जाएगी, उस वो सम्मोहित हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो व्यापार के लिए है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप जायफल पर हल्दी का टीका लगा सकते हैं, लेकिन वो जो जायफल होना है वो पूजा घर का होना चाहिए, पूजा मंदिर में वो रखा हुआ होना चाहिए। 7 दिन तक आप उस जायफल को पहले तो पूजा मंदिर में रखें, उसके बाद उस जायफल पर हल्दी का टीका लगाएं, और हल्दी का टीका लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको करना है। हल्दी का टीका आपको कितनी बार लगाना है जायफल पर, हल्दी का टीका आपको 51 बार लगाना है, और 51 माला आपको, 51 नाम आपको किसके लेने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र आपको 51 बार पढ़ना है और 51 बार ही टीका लगाना है हल्दी का, और हल्दी का टीका लगा करके उस जायफल को आप अपने व्यापार में, अपनी दराज में रख सकते हैं। जैसे लेकिन वो रखना कहाँ है कि आपकी निगाह उस जायफल पर बार बार पड़ती रहे, ऐसा नहीं रखना कि एक बार आपने जायफल रख दिया तो उसकी आपकी निगाह उस पर पड़ी नहीं रही। तो यदि ऐसी जगह है आपकी दराज में या आपकी कहीं टेबल पर, तो आप वहाँ जायफल उसको रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जायफल को कोई ले नहीं जाए, क्योंकि ये आपकी लक्ष्मी है, तो इसलिए आपको केवल ऐसे रखना है। जैसे टेबल पे कांच होती है, तो कांच के नीचे आप इसको रख सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं बार बार। तो यदि आप इसको देखते रखेंगे तो आपका व्यापार जो है दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा, आपके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। अब अगला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये भूत प्रेत को भगाने का है। दोस्तों यदि आपके पास भूत प्रेत आकर के परेशान करते हैं, आपको रात को डर लगता है, नींद नहीं आती, आपको लगता है कि आपके आसपास भूत प्रेत आ गए हैं, भूत प्रेतों का साया हो गया है, नेगेटिविटी आ गई है, नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और रात को आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, और रात को आपको भूत प्रेत दिखते हैं सपने में, तो आप क्या करें, आप 2 जायफल लें। अब ये जायफल कौन से होने चाहिए दोस्तों, ये मंदिर में रखे हुए होने चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए, आप जायफल ला करके 10-12 जायफल ला करके आप मंदिर में रख दीजिए आपकी पूजा घर में, तो वो सारे ही सज जाएंगे, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। तो आप 2 जायफल को लेकर के आपको अपने तके के नीचे आपको उसको रखना है, और तके के नीचे रख करके आप इसको सो जाइए दोस्तों, उसी समय आपको भूत प्रेत के सपने आना बंद हो जाएंगे, और आपके आसपास जो नकारात्मक शक्तियां थी वो भी आपसे दूर चली जाएंगी, और आपके घर में केवल सकारात्मक शक्तियां रहेगी और लक्ष्मी जी का वास रहेगा। अब अगला उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये आकर्षण का उपाय है। आपको क्या करना है, आपको जायफल का जो है पाउडर निकालना है, जायफल का आपको पीस लेना है, और पीस करके इसका पाउडर बना लेना है। अब इसका जो पाउडर है उसको आपको हल्दी में मिलाना है, और थोड़ा सा, जैसे थोड़ी सी आप हल्दी मिला लें और थोड़ा सा ये जायफल का पाउडर,
और दोनों को अच्छे से पेस्ट बना करके आपको इसका तिलक करना है, है ना। और दो जायफल तिजोरी में आपको रखने हैं। जैसे दो जायफल आप इसका तिलक करें, तिलक किसको करेंगे आप, जायफल पर तिलक करेंगे, तो जायफल पर तिलक रख करके आपकी तिजोरी में इसको रखना है। दोस्तों यकीन मानिए, आपके घर में जो लॉकर है या फिर आपकी जो तिजोरी है उसमें इतना ज़्यादा धन लाभ होगा, इतनी ज़्यादा लक्ष्मी की बारिश होगी कि आपके ग्राहक बहुत ज़्यादा आएंगे दुकान पर। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी भी लग जाएगी, तो आपके घर में जो धन आने के जो मार्ग हैं वो सारे के सारे खुल जाएंगे इस जायफल के इस प्रयोग से। जैसे आपका मान लीजिए आपका आत्मविश्वास घट रहा है, आपका आत्मविश्वास में कमजोरी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा आत्मविश्वास ही पूरा नहीं है, है ना, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दोस्तों इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है जायफल। आपको क्या करना है, आपको जायफल को पिरो करके एक लाल धागे में पिरो करके आपको इसको गले में पहनना है। यदि आपने जायफल गले में पहन लिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों कि आप हमेशा अपनी तरक्की की राह को ही चुनोगे, आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। दूसरा, आपकी यदि कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही, कई दिन हो गए हैं, आपकी किस्मत ही सो गई है, बिल्कुल भी आपकी मनोकामना नहीं हो रही, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो आपकी जो भी मनोकामना है दोस्तों वो भगवान शिव पूरी करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, जायफल का प्रयोग ही मैं बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में आपको आपको जायफल को डाल देना है, लाल कपड़े में आपको जायफल को रख देना है और उसमें लपेट कर उसकी पोटली बना लेनी है और आपको शिवलिंग पर यह चढ़ाना है। तो यदि आपने इसको शिवलिंग पर चढ़ाया तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और आपको एक और उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि पीपल के पेड़ का है। दोस्तों आपको 11 दिन तक दो जायफल को पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है, बस केवल आपको क्या करना है, 11 दिन तक दो जायफलों को पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आना है, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो भी मनोकामना है आप जायफल रखते समय पीपल के पेड़ के नीचे बोल दीजिए या मन में सोच लीजिए। आप पान के पत्ते में दो लौंग के साथ दो जायफल रख करके आपको चढ़ाना है। अब ये पान के पत्ते के साथ आपको दो लौंग और दो जायफल रख करके ये भी चढ़ा सकते हैं, एक जायफल भी आपको चढ़ा सकते हैं और घर के ईशान कोण में रख सकते हैं। दोस्तों ये जो पान के पत्ते वाला उपाय है ना, ये भी बहुत ज़्यादा कारगर है। ये वाला यदि आपने पान के पत्ते में दो जायफल रख करके आपने रोज चढ़ाए भगवान को तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद एक जायफल को आपको चढ़ाना है, कहाँ पर रखना है आपको एक जायफल, घर के ईशान कोण में आपको रखना है। इससे भी आपके घर में जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का यहाँ पर आगमन होने लग जाएगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।